वीडियो नहीं लाइव डाउन सर लाइव भाई मतलब वीडियो वीडियो बनाओ जो करना है आपने नहीं लाइव है वीडियो बना लाइव अच्छा है लोगों तक पहुंचाएगा ना सब कुछ जानकारी मिल गई सब कुछ जानकारी मिल गई देखो तो शेयर करें ना शेयर होगा सर एक तरह से वीडियो ही बन गई देखो सबसे पहले इसके लिए आपको ना सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपका बगीचा है ना हर बगीचे की कंडीशन अलग अलग होगी मैंने पहले ही बोला आपको आपको पहले सॉइल टेस्टिंग करवानी पड़ेगी इसकी साथ में ही आपको लीफ एनालिसिस करवानी पड़ेगी देखो अभी तक कभी मारी आपके पत्तों और प्रोनिंग का इसमें क्या है थंब रूल आपका पेड़ इतना बड़ा चला गया कि इसमें 20 पेटी हर पेड़ में लग सकती है हर पेड़ में आपके पास बीमा कमजोर है फिर भी आप इसको हर साल क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं ये लाने हैं सारे पीछे जितने भी आपके टहने बाहर जा रहे हैं ना मैन एक टहना होता है मैन लीडर से निकलती है जो ब्रांचेज सेकेंड ब्रांचेज फिर होगी जो थर्ड ब्रांचेज इसमें आगे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ब्रांचेज आ गई है इसमें आगे आगे करके जैसे एक है एक से दो निकल गए दो से फिर तीन निकल गए तीसरे से चौथी चौथी से पांचवी बड़े पेड़ में अब तो बन गई है वैसे रूल क्या होता है एक पेड़ के जब पेड़ बनता है उसमें हम सेकेंडरी और थर्ड ब्रांच रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद नहीं रखते कोई भी ब्रांच सबसे पहला रूल ये हो गया और प्रोनिंग का क्या करना है आपने इस बगीचे के हिसाब से बताऊँ हर बगीचे की अलग प्रोनिंग होती है मैं हर बार यही कहता हूँ हर बगीचे की अलग प्रोनिंग होती है इस बगीचे में क्या करना है आपने जितने भी में आगे को जा रहे हैं ना झमगढ़ बन रहा है ये पीछे धकेलना है इसको यहाँ ला सकते हैं यहाँ पे ला सकते हैं अब जो मैंने काट दिया है नीचे काट दिया है ना अब उसमें न्यूट्रिशन तो जाना था नेक्स्ट ईयर जाना ही था ना अब मैंने काट लिया कहाँ जाएगा इन्हीं बीमे में जाएगा और यहाँ से नए बीमे निकलेंगे नए वाटर शूट निकलेंगे वैसे ही है छोटा करो इसको जितना हो सकता है जख्म नहीं देना इसको बड़ा और पेड़ में ध्यान रखना कहीं भी मोटा कट नहीं मारना और आरी जितना हो सकता है कम चलाओ जितना मोटा है उसको कैंची से काटने की कोशिश करो कैंची नहीं तो लॉक पर ले आओ बड़ा आरी मत लगाओ आरी से ही कैंकर फैलता है बगीचों में टहने को पूरा ही कर दो आपने देखो जी इस बगीचे में इस टहने में क्या है इसका मान के चलो लीडर अभी ऊपर जा ये होगा ये वाला ये है अभी लीडर अभी इसका एक बाकी सब को पीछे ले आओ जितने भी टहने इसके अब देखो कितना झमघट बना है यहाँ पे और ये टूंट बहुत जरूरी है छोड़ना जी पेड़ में इसका ध्यान रखना ये होती पेड़ की कैमियम लेयर को बचाता है ये इस टहने की कैमियम लेयर को बचाता है अगर टूंट रखेंगे इसको पीछे लाओ जी अब इतना पीछे ला लिया मैंने अब इसमें जो न्यूट्रिशन जाना था कहाँ जाएगा रिवर्स ही हो जाएगा इनमें सब में डिवाइड हो जाएगा जी हो गया डिवाइड फ्रूट साइज बना कि नहीं बना देखो जी इस टहने की कटिंग हो चुकी है ना हैवी जख्म दिया इसको पीछे भी ला लिया है जैसे ये है ना बीच में मतलब ये है हमारा बीमा जिसमें फ्रूट लगेगा इसमें क्यों लगेगा फ्रूट क्योंकि इसमें टिप देखो इसकी काफी बड़ी है और ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है रिंग कट मारा है किसने रिंग कट मारा होगा आप लोगों ने मारा है। उसमें दो तीन शिकायत आती है बहुत से सुनने को आता है कि रिंग कट अगर हमने मार दिया कहीं भी मान के चलो ये रिंग कट है इसको मैं अगर मारता हूँ फिर यहाँ से कईयों के पास क्या है दो तीन ब्रांचेज आई हुई है रिंग कट का थंब रूल क्या होता है रिंग कट आप उस टहनी में मारेंगे जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी उस टहनी में नहीं मारेगी जिसमें लकड़ होगा उसमें बीमा नहीं बनेगा उसमें ग्रोथ जाएगी रिंग कट क्यों मारते हैं हम ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए अब देखो जी ये वाला टहना ये भी कहाँ गया है हमारा फिर भी आपने हेडबैक मारना था इस बारी मारना था इसको हम कहाँ लाएंगे पीछे और ये हमारा टून भी छूट गया है अब जो न्यूट्रिशन इसको जाना था कितना फिट से काटू यहाँ से ना अब देखो बीमा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा पूरा का पूरा अब मैंने रख लिया इतना अब इसमें झोल भी होगा और इसको पता है कि मेरे ऊपर स्पोर्ट है अभी तो नहीं टूटेगा जी जितना हो सकता है इसको पीछे लाओ और
मतलब जैसे कहीं ये मोटा कट लगे पेस्टिंग की पेस्टिंग की जरूरत है पेस्टिंग की जरूरत है। देखो जी ऐसी कटिंग करेगी आपको पहले साल पेस्टिंग की जरूरत है, पहले साल आपका जम के लगेगा पेस्ट और दूसरे साल आपको जरूरत ही नहीं है पेस्ट की, फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं है। ये स्टॉप है जी, अब इसके बाद ये फ्रूट देगा, फ्रूट देगा आगे बढ़ेगा, फ्रूट देगा आगे बढ़ेगा, फिर इसको हम और पीछे ला सकते हैं यहाँ पे रिंग के पार से मारेगी, फिर जाके ये वाली सारी आंखें फट जाएगी, बस हो गया काम, यहीं पे हमारा बन गया, न्यूट्रिशन भी सारा इन्हीं दानों में जाएगा। आपके पास नहीं है, आपकी मैं पहली बात की थी कि आपका न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो रहा है, बीमा के हिसाब से जो बीमा आपके पास है ना बहुत कमजोर है, इतना कमजोर बीमा तो आज तक देखा ही नहीं मैंने किसी और चक्र में, इसमें न्यूट्रिशन अपटेक 0% हो रहा है, आप स्प्रे भी शायद बहुत कम कर रहे हैं इसमें। आपको मैं एक शेड्यूल अलग से दूंगा इस बगीचे के लिए, आप उसको अप्लाई करेंगे ग्रंटेड है आपका 2 साल में ऐसा बगीचा बनेगा शायद पूरे एरिया में नहीं होगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा उसको, मारेगा बैक पीछे क्या करती है वाटर शूटर उनको एक्टिव करेगा, एक्टिव करेगा तो वहां से पीछे सकर निकल जाएगा, मजबूत हो गए बीमे भी मजबूत हो गए, जैसे पीछे मारते ना धक्का, जैसे ये देखो लचका हुआ, क्या करना इसे पीछे लाओ इनको, बस ये ध्यान रखना पेड़ को हम जख्म ना दे, मान के चलो जितनी हमारी ये वाली फिंगर है ना इसे मोटा मत काटना, इसे मोटा काट लिया तब मान के चलो आपको कैंकर की एक दिक्कत सहन करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर, सारे पीछे ले आओ इनको, ग्रोथ चाहिए आपको सिर्फ किसमें ऊपर एक टहने में, सिर्फ एक टहने में बाकी जरूरत ही नहीं है इसको, जैसे ये 2-3 है यहाँ इनका क्या करें। अब देखो जी ये वाले टहने क्या करना है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, ये बनेगा बीमा आपका फ्रेश बीमा बनेगा, इसको सारे के सारे छोड़ देने जो आप, अब जैसे हमने पीछे धकेल दिया ना पेड़ को वैसे ही क्या होगा आपके सारे वाटर शूट निकल जाएंगे जितने आपने न्यूट्रिशन डाला है ना, ग्रोथ इसमें आ जाएगी पीछे के लिए, अब आगे कुछ नहीं है जाने के लिए, जितना न्यूट्रिशन है वो बीमा को मिल जाएगा, बाकी बैक होके वाटर शूट फाड़ेगा, ये है आपका फाइनल। अब क्या करना है इनको सब कुछ छोड़ना है जी, एक साल के लिए, एक साल सब कुछ छोड़ना है, अगले साल क्या होगा इसमें जी, अगले साल बनेंगे जी सब में रिंग में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ नहीं जी इसमें भी नहीं रिंग बना हुआ, यहाँ तो कोई नहीं रिंग का टहना भी बना, देखो जी ये जैसे कि ये वाला टहना है ये पिछली बार का रुका हुआ है, यहाँ पे रिंग बनाए, फ्रूट दिया था इसने पहले, देखो यहाँ पे फ्रूट देख के कोई भी बीमा आगे निकलता है, ग्रोथ लेता है, कोई 1 इंच कोई 2 इंच कोई 4 इंच, इसमें ज्यादा ग्रोथ 5 इंच भी जाता है, जैसे ये आ गए ना जैसे आपका रिंग आ गया वहां पे इसको स्टॉप करना है, तो बस रिंग के ऊपर से बीचों बीच काट देना है। अब रिंग के बीचों बीच अगर आप कैमरे से दिखा पाएंगे ना इसमें बिल्कुल होती है ब्लॉकेज, चारों तरफ से इकट्ठा किया होता है इस जगह को, देखो यहाँ पे जी किसी ने रिंग मारा हुआ था जी, देखो यहाँ मारा था ना रिंग, अब देखो ये यहाँ पे हो गया, ये भी रुक गया यहाँ पे, बस ये भी रुक गया, अब इसको आप यहाँ पे इस रिंग पे भी आ सकते हैं, इस रिंग पे भी आ सकते हैं, जितने आपका बीमे की कैपेसिटी है जी। सबसे ज्यादा इसमें क्या हो गया आपका सैब लीक हो रहा है जी, कहाँ हो रहा है सैब लीक, जो आपने पुरानी गलतियां की, क्या पुरानी गलतियां की, क्या आपने फिट कैंची हमारी हर कहीं, देखो जैसे कि यहाँ पे पाइप पूरी की पूरी फटी हुई है, इससे सैब लीक हो रहा है, कहाँ जाएगा जी। अब देखो इतने अंदर तक सड़ा हुआ है ये, इसमें सिर्फ जो बाहर की लेयर है ना उससे जा रहा है इसके लिए न्यूट्रिशन, अब कहाँ बनेगा जी इसमें साइज, कहाँ इसमें बढ़िया फ्रूटिंग होगी, कहाँ सेटिंग होगी अच्छी, मान दे इस बात को, जितना हो सके पेड़ को पीछे धकेलो, बड़ा पेड़ बन गया इसमें क्रॉप 20 पेटियां 15 पेटी तो निकाल दो इसमें, और जितने आपके लटके हुए बीम है ना ये बड़े गंदे होते हैं जी, ये आपका सारा न्यूट्रिशन खाती है जितने लटके बीम है, आपको पता है जो हम रिंग बोलते हैं रिंग के ऊपर से काटते हैं वो क्यों स्टॉप होता है, उसका कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, इसमें क्या होता है जितनी रिंगे होती है ना वहां पे एक ब्रेक लग जाती है सैब में, जैसे सैब जाएगा रिंग बन के वो वाला टहना आगे से वीक हो जाएगा बिल्कुल, जहां पे भी रिंग बन गई, ये रूल होता है प्लांट का। अब देखो जो बीमा है आपका यहां से लेकर यहां तक देखो कितनी इसमें ब्रेकें लगी हुई है, यहां तक मान के चलो यहां तक इसमें कम से कम 1000 आंखें होगी, 1000 आंखों से सैब होके आगे फिर जाएगा यहां तक, कब आएगा यहां बहुत लेट, ना साइज बनना ना ढंग का फ्रूट सेटिंग होना, इसको क्या करो पीछे ले आओ, और थर्ड रूल क्या है प्रोनिंग का, कहीं भी आपके पूरे बगीचे में फिट कैंची नहीं लगनी चाहिए,
बस ये आदत सुधारनी है हम लोगों ने। फिट कैंची जैसे हमारे बना है ना कि फिट मारो जी, बिल्कुल बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट कैंची बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए जी। इसका नुकसान अभी नहीं दिखेगा हमारे को, कुछ सालों बाद दिखेगा। जैसे यहाँ तो चलो धूप नहीं है उतनी, जहाँ पे धूप ज्यादा लगती है ना वहाँ फिट लगा हुआ कट फिलअप भी नहीं होता, और ऊपर से धूप भी पड़ती है, पानी भी पड़ता है और सड़ जाता है, आगे को फिर न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है, फिर ग्रोथ का हर कहीं से निकल जाती है ऊपर, फिर बन जाता है नया ही पेड़, आगे के लिए कमजोर हो जाता है वो। होता है कि नहीं होता? पीछे ले आओ इन सबको जितना हो सके ना, रिंग के पास से फिट कैंची कहीं नहीं लगानी। बस ये सारे छोड़ दो आप इस साल, ये छोड़ दो, पीछे धकेल लो इसको, बस हो गया काम। और इनको भी कम कम कर लो, फिट कैंची नहीं मारनी, सबसे पहला नियम यही, ये समझ ही लो आप, गांठ बांध दो इसकी। और जरूरी आपको क्वेश्चन पूछना जी, जैसे ये बहुत सारे याद है कोई, इनका क्या किया जाए? ये भी छोड़ देने अपने सारे के सारे। अच्छा, सारे के सारे छोड़ देने, एक साल छोड़ने की सारे के सारे। इसमें क्या होगा, इस बार मैंने आपको बोला था जैसे आप छोड़ देंगे ना वैसे यहाँ से ग्रोथ आएगी थोड़ी सी, या तो ये फ्रूट देगा या तो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद यहाँ पे बीमा एक रिंग छोड़ देगा, बस आपने रिंग के ऊपर से अगले साल सारे के सारे काट देने, इसको यहीं पे स्टॉप करना है। फिर एक कॉन्सेप्ट क्या बनाया लोगों का, अगर हम फिट कैंची नहीं मारेगा ना जी, गांठ बनती जैसे यहाँ पे बनी है, दिखाओ जरा गांठ आप इस साइड से, ये देखो जी गांठ बनी है यहाँ पे, बनी है ना जी गांठ, ये क्यों बनी है जी? कोई बुजुर्ग अंकल जी, फिट कैंची नहीं लगी है, ऊपर से टूंड बच गया इसका, टूंड बचा हुआ जी, तब इसमें क्या किया, पहले इतना सा टूंड था जी, दिख रहा है वहाँ पे ना, हाँ जैसे छोटा सा टूंड था ये, किसने मार दिया टूंड, फिर आगे इसमें चार आंखें, ये चार टहनिया, फिर आपने चारों को चारों ऊपर से काट ली, फिर आगे इसमें आठ, फिर आठ के आठ कर, फिर आगे सोलह, फिर उस तरह वैसे इसमें उस तरह से गांठ बन गई। गांठ क्यों नहीं बनती जी, जैसे आपने एक बार कट मार दिया ना से, इसमें आएगी दो दो या तीन आंखें, बस उसको छोड़ दो, उसके बाद काटो ही नहीं उसको, कहाँ से बनेगी गांठ, ये गांठ बन गई, इसीलिए नहीं काटते आप जी इतने ऊपर से, फिट लगाते कैंची, है ना सर? बिल्कुल सही बोले सर आप, जितना हो सके इनको पीछे ले आओ। और ग्रोथ कहाँ चाहिए हमारे को, सिर्फ टिप में ऊपर, इसको ऊपर से खींच ही लेते हैं नीचे, देखो जी इस टहनी का मेन लीडर है ये हो गया बीक, जैसे मैं बोल रहा था ना आगे आगे जितना ले जाएगा ना, कोई टहनी बीच से निकलेगी और ज्यादा ग्रोथ कर देती है, वो देखो इसमें हुआ है, बिल्कुल। आपने क्या करना था, और ऐसा इसको और एंगल दे देना था, और भगाना था अंदर, और इसको अंदर नहीं भगाना है, इसको करना है स्टॉप अप चारों तरफ से, बस इसमें लेनी थोड़ी सी ग्रोथ, जो आपका मैन लीडर ना, अब देखो यहाँ पे भी लगी है रिंग, रिंग लगी है ना, है आपका मैन लीडर है, फिर आप क्या करेंगे ये काट के फिर इसमें हेड बैक करेंगे, फिर भी इसमें ग्रोथ नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि पीछे है रिंग, रिंग के पास क्या होता है, सेफ फ्लो कमजोर हो जाता है और वहां से अच्छा नहीं जाता। फिर आप ऐसी टहनी देखो जिसमें रिंग नहीं है बनी, इसमें भागेगा ग्रोथ, और बाकी जो नीचे वाली टहनी है ना साइड वाली, इनको पीछे ले आओ, वीक में ला सकते हैं आप या बीमे पे लगा सकते हैं आप, बस ये मानो कि आपके एटाना, हाँ इससे मोटी अंगुली से मोटी टहनी नहीं काटनी है अपने पूरे बगीचे में फर्स्ट ईयर, ध्यान रखना, बाकी सारा पीछे ले आओ, कोई नुकसान नहीं होगा आपके पेड़ को, बस उसमें पेस्ट लगा देना थोड़ा, पेस्ट बहुत जरूरी है जी। अब देखो ये रहने दो आप, इसको बीमे पे लाते हैं, लच के बीमे को कमजोर करते हैं, इसको पीछे लाते हैं, अब इसमें आपकी फूटिंग तो लगनी है जो लच के बीमे, ये देखो लच के बीमे, ये सारे के सारे कट करने पीछे ले जाने हैं। अब देखो ये टहना कट हो गया हमारा पूरी तरह, जैसे ये फंस रहा है, फंस रहा है, बस इसको यहाँ पे ले आओ बीमे, बस जो इतने इसके लिए जितना पेड़ ने न्यूट्रिशन देना था वो बैक होके इन बीमों में जाएगा, बस पानी खत्म, आगे ही समझ, पीछे धकेलना है पेड़ को जितना धकेल सकते हैं आप पीछे, ये है, अब मैं इसको पीछे धकेलूंगा, अब इसको मेरे को ग्रोथ की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाहर से टहना निकला है, अगर फूट भी लगेगा तो नीचे आएगा, हमारे को चाहिए ऊपर ग्रोथ बढ़िया, अब इसको भी करना है हमने कमजोर, लो देखो इससे मोटा कहीं नहीं है टहना कट लगा हुआ, इससे मोटा कट आपने मारना भी कहीं नहीं है, एक अंगुली को देख लो, मान के चलो आपके पास यहाँ एंगल बन रहा है, ये मोटी है आपकी, आपकी उंगली से टहना मोटा है, तो आगे आ जाना है थोड़ा, यहाँ पे काट लो इसको, बस
अब आगे लेगा ही नहीं, लेगा ही टॉप हो गया, अब पीछे जाएगा न्यूट्रिशन सारा का सारा, बैक जाएगा और बीमा मोटा होगा, हेल्दी होगा आपका, आपका सारा शेड्यूल अलग होगा जी, ध्यान रखना आपने, सारा शेड्यूल मेरे द्वारा होगा आपका बगीचे में। ओके। और आपको इसमें 2 साल तो लगेगा क्योंकि इतना इतने बड़े बगीचे में बीमा डेवलप करना 2 साल तो लगेगा लगेगा, उसके बाद देखो आपका प्रोडक्शन कैसा आता है इसमें। अब इसको भी काट लेते, देखो यहाँ पे लाऊंगा कहीं भी ला सकता हूँ इसको, बीमे पे भी ला सकता हूँ, बट ज्यादा जख्म ना देके हम इसको यहाँ पे पहुंचाते हैं। अब इसमें जो भी ये है ना फ्लेक्सिबल, जो 6-7 इंच की जो टहनी है, ये तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ, इसको फिट नहीं निकालना, बस ये ध्यान रखना, बस क्लिक मार दिया, ठीक बस फिट कैंची नहीं लगनी चाहिए जी, फिट कैंची से यही होगा जो यहाँ पे हुआ है देखो। अब जो इसके न्यूट्रिशन जाएगा ना, खत्म नहीं है वो, अब इसको मैं काटूंगा ना यहाँ तक जी, खत्म है, यहाँ तक खत्म है जी इसका न्यूट्रिशन सारा, देखो सैब लीक यहीं से हो रहा है। फिट कैंची मतलब पूरे पेड़ में लगानी नहीं है, लगानी नहीं है, ये थंब रूल है ना, पूरे विश्व में चलता है जी, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने किया, उन्होंने किया है हमारे बिना, जैसे ना जैसे मतलब गुलदस्ता बनेगा जी पेड़, बस नहीं शो 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 उसी के लिए ही। ये सबसे गलत प्रोनिंग थी जी पहले वालों की। अब देखो इसमें भी हमने सिर्फ लेनी है ग्रोथ का, जो सबसे ऊपर के लिए जा रहा है, मतलब ये थोड़ी सी ले लो टिप में, बाकी सारा का सारा खत्म कर लो, लो इसको पीछे लाओ, इसमें थोड़ी सी लेते हम ग्रोथ, अगर चाहिए आपको, अगर नहीं चाहिए बस। फिर इसको सर यहीं से क्या बोलते बैक कर दिया, बैक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपके पास स्पेस नहीं है तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसमें, जितना न्यूट्रिशन है वो सारा बीमों के लिए जाएगा। और पीछे आपके कितने वाटर शूट खुलेंगे, वाटर शूट खुल गया तो आपका पेड़ रिन्यूअल पे चले गया सारा का सारा। ये मार दिया, देखो यहाँ बिरिंग कट मारा था, कटिंग पे भी विशेष ध्यान है इसमें, पूरा ध्यान है कटिंग पूरा, पूरा पेड़ लॉक भी तो कर सकते हैं, पूरा पेड़ लॉक कर सकते हैं, ये बड़े पौधे हैं, फार्मर की अपनी मर्जी है, वो ग्रोथ के हिसाब से स्टॉप कर दो इसको, बस कहानी खत्म। ये टहनी की जितने भी मैंने टहनियां निकाली सारा बैक आएगा पीछे के लिए, वाटर शूट फटेगा, ध्यान है खत्म, धीरे धीरे और अगले साल इसको पीछे बिल्कुल धकेलते रहे, और इसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन आपका कम उसमें जाएगा ना, फिर और बीमा भी मजबूत बनेगा, फ्रूटिंग बढ़िया बढ़ेगी, फ्रूटिंग भी खड़े हो रहे, जब हम ये कटिंग करेंगे ना तो समझो फ्रूट पक्का लगेंगे। और हमारी ये एक ध्यान बिल्कुल उनके सेबिन लगता था इस बार हुई उनकी कोई 2000 में, वहाँ मतलब 200 पेटी से नहीं निकाल पाने, ये भी सेम है, मेरे शाम को आपको बता रहा था, ऐसी कटिंग थी एक ही था, लॉक किया उन्होंने पीछे किया, दोबारा करने की जरूरत नहीं, बीमा भी है इसमें, कटिंग भी हो गई है, नहीं तो हम इसको बढ़ा देंगे, आपको दिक्कत आएगी बढ़ रहेगा, एक साल पेस्ट लगाने की और थोड़ा अजीब दिखेगा कि कटिंग नहीं है इसमें हुई, बड़ी दिख रहा है, बस हमने रोक लिया चारों तरफ से इसको, ठीक है जी, अब सारे मजबूत होंगे और सेब लगेंगे इनमें, देखो बिल्कुल गारंटी है जी, पेड़ बहुत बढ़िया है बने आपके, बस इसमें क्या है न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो पा रही है जी, बाकी स्प्रे में भी आप काफी पीछे चल रहे हैं इसमें, ऐसा लग रहा है आपने स्प्रे बहुत कम है इसमें की, एक तो नॉलेज की कमी इस वजह से भी देखो जी इस टहने में क्या है, आपने इसमें देखो कितने बीमा वाले, कम से कम 100 बीमा होगा जी, यहाँ से लेकर आगे तक है ना, और गलतियाँ क्या है इसमें पहले ही देखो यहाँ पे सैप लीक हो रहा है, आप इसको काटेंगे ना सिर्फ बाहर की खाल में टहनी चिपकी है इसी खाल में, जैसे अब ये सैप लीक हो रही है इसको कुछ बंद करने का कोई है ही नहीं, कोई सोर्स है नहीं, अभी नहीं है जी कोई सोर्स नहीं, कोई है ही नहीं, अब सेकंड क्या यहाँ तो कर दिया आपने गलती, फिर आगे कर दी यहाँ देखो, यहाँ पे भी ये इसमें तो बिल्कुल ही नीचे से जुड़ी है, बाकी सारा का सारा एक खोखला है, सैप लीक हो रहा है टोटल, तो कहाँ से इसमें आगे कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेस्टिंग तो जरूरत है, पेस्टिंग उसी टाइम लगनी चाहिए थी, पर बट ये पहली बात है कितना मोटा कटनर लगना नीचे था, मारा क्यों है इसमें, उसकी भी कोई ना कोई वजह हुई होगी, या तो उसको स्टॉप ही कर देते उस टाइम, या टूटा हो सकता कुछ कुछ भी हुआ होगा, मतलब ऐसे जब टूटता है ना पेड़ बिल्कुल तो ग्रोथ ज्यादा आती है पीछे वाले टहनों में, नए शक्कर फटते हैं क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन तो पीछे टहना जो टूट गया ना वो खत्म हो गया, अब कहाँ जाएगी वो न्यूट्रिशन, वो जाएगी ऊपर कहीं ना कहीं से, वाटर शूट के रूप में निकल जाएगी ऊपर के लिए, बस उसके बाद पेड़ द्वारा से रिन्यूअल पे हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मान के चलो कट भी हो गया, यहाँ से निकल के चार क्या बोलते हैं आपके वाटर शूट वो भी बंदे ने काट दिए, अब क्या होगा इसका बोलो आप,
लेने के लिए बहुत सारे बीमे है हमारे, बहुत सारे बीमे, बस इसको आप स्टॉप करो। यहाँ देखो, यहाँ से कुछ नहीं जा रहा है इसके लिए, ये तो वेस्ट जा रहा है सारा। यहाँ से आगे जितना इस टहनी के लिए आ रहा है ना, उसका 20% भी नहीं पहुंच रहा है यहाँ तक, वो यहाँ से लीक हो रहा था। जैसे ये वाला टाना स्टॉप कर दिया, ये इसको तो पीछे लाओ आप जितना हो सकता है, आगे वाला ये इसको स्टॉप कर दिया, बस अब यहीं रहेगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा कभी। बस यहाँ पे रोको इसको जितना हो सकता, जितना सेफ जाएगा। बट इसमें ध्यान रखो आप, इस बार जितनी पेस्टिंग हो ना डट के करो, पुराने टहने हैं उनको भी करो। इसमें क्या है, जितना आप इसको बचाएंगे ना, हर साल इसमें पानी पड़ता रहेगा। अब इसका मुंह है ऊपर, पानी बर्फ धूप सब कुछ पड़ रहा है अंदर, बल्कि इसमें कीड़े भी घुसे होने। वो पेस्ट के बारे में बता दो कौन सा लगाने से। हाँ सब कुछ बताएंगे। जैसे ये है ना, टोटल के टोटल बंद करने, पुराने पुराने जितने भी है ना, सारे के सारे बंद करने हैं आपने। अब यही देखो, ये कितने नीचे तक सड़ा होगा, अब देखो कहाँ तक लगाऊंगा मैं कैंची, इसमें बहुत नीचे तक सड़ा हुआ है ये। अब सैब यहाँ से भी लीक हो रहा है, यहाँ से भी लीक हो रहा है, यहाँ से भी, फिर इधर से भी, फिर यहाँ से भी, कहाँ पहुंचेगा ये न्यूट्रिशन। तभी हमारे बीमे कमजोर है, कुछ तो हमारी गलतियां है, कुछ पेड़ की है, कुछ सॉइल की है, जो हम टेस्टिंग नहीं करवा रहे, क्या हमारी सॉइल में है। और जी क्वेश्चन पूछो जितने पूछ सकते हैं जी, मन में हेजिटेशन रखनी नहीं, जो भी मन में आता है। सर अब चलो ऊपर का तो हो गया सर, अब जो ये चीजें है इसके क्या किए जाए, जैसे बन गए ना अंदर से खोखले हो गए, अब ये इस तरह का बन गए, इसमें इसका क्या किया जाए। इसका जी मैं एक बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको। अच्छा जी, ये हमारे मैक्सिमम मैक्सिमम क्या है, जो ये वाले पेड़ है ना, इन पेड़ को अब रिकवर तो कर नहीं सकते, कुछ टाइम ज्यादा चला सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जिसके भी ऐसे पेड़ है ना जी, ये प्रॉब्लम कब आती है आप लोगों को, ये ब्रेक हो गया था, टूट गया, टूट गया, टूट गया, या तो कोई टहना खत्म हो गया, वहां से सडन स्टार्ट हो गई, मतलब तब बनते वाले गैप। इसमें एक ही इलाज है इसका, जो हमने प्रूफ किया है इसका, हम 5 सालों से इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, जो सबसे अच्छा हमारे पास सोल्यूशन निकला है वो निकला है। पहले क्या करना है आपने, पूरे की पूरी इस खाल को ना छील देना, किसी भी चीज से पूरा छील देना नीचे तक। फिर इसमें क्या करना है आपने, सीमेंट और रेता रोड़ी मिक्स करना है, फिर भरना है इसमें, जैसे हम लगाते घरों में लगाते हैं, टाइट कर दिया ना इसको, उसके बाद आपका देखो कितना चलता है पेड़। जैसे वो मॉइस्चर तो लेगा, वो मॉइस्चर लेगा मजे मजे, पर सर्वाइव ज्यादा करेगा पेड़, जैसे कि कंपैरिजन टू इसके। और ये कुछ जिस टाइप से आप बोल रहे ना, वो एक ने किया वहाँ पे यूज, ये बहुत जगह यूज हो रहा है। ये भी हो गया है, नहीं होता है तो टोनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछो जितने हो सकते हैं। नहीं अगर सर इसमें क्या, जैसे ये बीमे है ना पुराने में, बाय द वे अगर ये फोल्ड बीमे रखो इनको ना, अगर इसमें ग्रोथ की हो तो वो किस तरह से लानी है। देखो जी क्या होता है, क्वेश्चन पूछो जितने क्वेश्चन है, मन में बना के रखो सबने, जैसे मर्जी उल्टे पुठे सीधे जैसे मर्जी क्वेश्चन है बनाओ। ग्रोथ उन पौधों में लेना पड़ेगा ना जिसमें, मतलब बड़े बड़े सेब है क्या होता है, पेड़ के पास ना एक स्टोरेज सिस्टम होता है, जैसे हमारे फोन में होता है स्टोरेज सिस्टम, हर पेड़ में एक स्टोरेज सिस्टम होता है, या तो आंख के या तो रिंग के पास होगा, या उसने अपने पास रखा होगा बैकअप में, हर टहने में होता है, यहाँ पे भी हर टहने में होगा नीचे तक। बस जो आपका 5 साल पुराना बुड होगा ना उसमें नहीं होगा, 5 साल पुराने बुड, 5 साल तक के बुड में सब में होगा। अब देखो जी आपने कहा अगर हमारे को ग्रोथ चाहिए इसमें तो क्या करें, आपने क्या करना है, किसी भी टहने के जहां से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है वहां पे आना है, वहां पे एक स्लीपिंग आइज होती है जी, इसमें भी होगी, अब इधर भी होगी कहीं ना कहीं, इधर भी है देखो, अब देखो यहां पे भी है, जहां पे भी ये होगा, ये वाला एरिया जहां से टहना निकलता है कोई भी टहना, वहां पे उसने स्टोरेज रखा होता है ग्रोथ के लिए पेड़ ने, किसी भी पेड़ ने, और वहां पे आप आओ और वहां पे काट दो, तब देखो आपकी ग्रोथ दोबारा से एक्टिव हो जाएगी, उसमें बढ़िया ग्रोथ आएगी, अगर आपने द्वारा से इसको ग्रोथ में पहुंचाना है। ये अभी नहीं, उस टाइम भी कर सकते, चाकू से थोड़ा हल्का सा कट मार दिए इसमें, मार लो जैसे ये है, क्यों जी इस तरह। नहीं नहीं नहीं, इसको तो काटना ही पड़ेगा, वो तो आपके बीम के लिए, वो अलग से होगी, हर पेड़ के पास स्टोरेज होता है, जैसे इसके पास भी यहाँ पे है, यहाँ पे है, अगर इसमें ग्रोथ चाहिए बढ़िया आपको, अब तो स्टॉप हो गया, सैप लीक हो रहा है और यहाँ पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे जैसे गांठ बन गया इसमें, इसका क्या है, ये ओलिया फिट से बना है। अच्छा जी, ये बीमारी से बनी हुई है। अच्छा जी, इसको आप पीछे ले आओ, ये सेब भी खत्म हो गया, अब इसमें भी जाएगी सारा न्यूट्रिशन, गांठ भी खत्म, गांठ था ये तो उस ओलिया फिट की वजह से है।
और जी और क्वेश्चन पूछो पूछो। आजकल एक बीमारी लग रही है सर। हाँ जी लीफ में। हाँ जी कौन सी बीमारी लग रही है? जो वायर क्या बोलते पत्ते होते नहीं जैसे जल्दी हो जाते जिस टाइप से। जो स्प्रे के बारे में आपको बैठ के बताऊंगा अभी जितना प्रोनिंग के क्वेश्चन है सारे पूछो। प्रोनिंग है जी मैन। ये तो बड़े पौधे होंगे छोटे पौधे में फिर देखो जी हर पेड़ की अलग अलग प्रोनिंग होती है। हम देखते हैं ना इसमें कि इसने ऐसा काट दिया तो मैं भी अपने बगीचे में ऐसे करूं प्लान। पर हर बंदे की कंडीशन हर बगीचे की कंडीशन अलग होती है। जैसे सारे इकट्ठे हो गए तो अब जैसे पुराना पौधा है अब देखो मैंने कहा था ना अभी पहले तो मोटे हो जाएंगे पीछे पीछे आप इसको हर साल छोटे छोटे कर सकते हैं। ये देखो यहाँ जितने छोटे करने हैं आपने लो आप ही बोलो सर लो चलो आप पहले लो 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 यहाँ पे जितना इसको पीछे ला सकते हैं ना जी उतना अच्छा है। तो जी मेरी इसकी प्रोनिंग भी हो गई है। जैसे प्रोनिंग करनी मतलब कुछ जल्दबाजी नहीं करनी बड़े ध्यान से करना काम। देखो जी प्रोनिंग का सही टाइम ही नहीं हमारे को पता कब होती है कब करनी। प्रोनिंग होती है जब हमारी बड ओपनिंग स्टार्ट होती है उससे 30 दिन पहले होगी तो सबसे बेटर है पेड़ के लिए। छोटे पेड़ होंगे छोटे पेड़ बड़े पेड़ जो मर्जी है आपके यानी कि बड ओपनिंग से बड ओपनिंग होगी आपके मार्च में मार्च से एक महीने 30 दिन पहले फरवरी में होगी ना आपकी प्रोनिंग कोई आपको बीमारी नहीं लगेगी ना हमारे को ज्यादा पेस्टिंग की जरूरत है। और हम लोग यहाँ पे काटते बोलो क्यों इतना जल्दी बर्फ की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम या लेबर नहीं मिलती या प्रोनर नहीं मिलते कोई इस वजह से करते हैं हम। जो स्प्रे है उससे पहले हो सकती है जो भी करनी हम जैसे हम TSO मारते हैं पहले करते हैं TSO का सही टाइम वो बताऊंगा स्प्रे शेड्यूल आपको मैं ऐसा बताऊंगा ना आपको शायद ऐसा स्प्रे शेड्यूल मिलेगा ही नहीं कहीं अगर उसको अप्लाई कर दिया ना आपने। आप प्रोनिंग पे फोकस करो जितनी है ना क्वेश्चन आप पूछो जितने भी है। देखो स्टॉप कर दिया देखो यहाँ पे हो गया ना स्टॉप बढ़िया बीमा बन गया और यहाँ पे फ्रूटिंग लगी फिर आगे बीमा बढ़ा अब इसमें फ्रूटिंग लगी फिर बीमा बढ़ेगा ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस। इसको थोड़ा एक बीमे को पीछे ले आओ एक को जाने दो वैसे स्टॉप हो गया देखो कितना अच्छा टहना बनाओ अब इसको पीछे ले आओ इसको पीछे ले आओ। मान लो जब इतने बीमे है इसमें अगर सब इसमें फ्रूट लग जाए ओवरलोडिंग होगी फिर क्या करना है देखो जी क्या होता है जैसे हमारे पास बीमा हेल्दी आ गया ना तब क्या करना हमने पर्टिकुलर बीमे है ना दो बीमे रखने हैं। अच्छा हर बीमे हमारा जो लचका हुआ बीमा था उसमें कम से कम 10 बीमे होते हैं बस में दो बीमे रखने हैं। अगर आपकी क्या बोलते हैं ये क्या बोलते बीमा हेल्दी है बड़ा है फ्रूट वाला है फिर करना है आपने कम बीमों को। एक पुराना बीमा और नया बीमे की कुछ जानकारी दे। अच्छा जी पुराना बीमा नया बीमा क्या होगा? पुराना बीमा तो हो गया आपका जो लटका बीमा है कोई भी बीमा जैसे कि ये बीमे पुराने हो गए आपके। नया बीमा कैसे आएगा? जो भी ये होता है ना जिसमें लचके हुए बीमे होते हैं जैसे ये है जी लटका हुआ बीमा अब इसमें नया बीमा बनाना है जी आपने। ये तो पुराने बीमे है सारे नया बीमा रिंग के पास से काटो कहीं से भी ये आगे रिंग ये आगे रिंग ये आगे रिंग ये आगे रिंग जहां पे रिंग पे काटेगा वहां पे नया बीमा निकलेगा। एक साल में इसी साल निकलेगा यहाँ पे अगर इसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ठीक है ग्रोथ बढ़िया है अगर ग्रोथ बढ़िया नहीं होगी न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगा आप चाहेंगे वहां पे बीमा फिर नहीं बनेगा जी। ये भी ध्यान रखना सब कुछ इसमें ध्यान रखना पड़ता है जी फसल के लिए। एक चीज जिम्मेदार नहीं होती कि हमारे एक फसल नहीं लग रही है बहुत चीज जिम्मेदार होती है कुछ अपनी गलतियां होती है कुछ पेड़ की गलतियां होती है कुछ आसपास की बीमारियां फैल रही ज्यादा उसकी गलतियां होती है। लो जी हम इसको पीछे ले आते हैं सारा का सारा इसमें ग्रोथ की जरूरत ही नहीं है आपको। अब देखो जी एक दिमाग में आपके क्वेश्चन उठेगा कहीं सूख ना जाए मेरे पे है आएगा आपका दिमाग आएगा ना। देखो जी पेड़ तो भी जब इसको नीचे से नहीं मिलेगा मटेरियल ना देखो इसके अलावा भी है। देखो जी अगर आप आपका 15 mm से अगर मोटा कट मारते हैं ना आपका फिर होते चांसेस आपके ऊपर कैंकर के होते हैं। अगर आप उससे नीचे के मारेंगे 11 mm 10 mm 8 mm तब आपको कैंकर बिल्कुल नहीं लगता। क्या करना है उसके बाद आपने जैसे आपने कटिंग कर दी पेस्ट लाया और लगा दिया जो ये वाले छेद है ना कोई भी ये वाले ये पहले भर दो। जैसे हम कटिंग के बाद जैसे ब्लाइटॉक्स डालते हैं तो वो भी तो पेस्टिंग का ही काम करता होगा। पेस्टिंग का काम करता है पर इसको फिलअप नहीं करेगा जो हमारा सारा सेट है। अच्छा अच्छा वो है हमारे छोटे कट के लिए जहाँ हम अपना ब्रश नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल जैसे हमने हल्के कट मारे इसमें तो काम करेगा वो। हाँ काम करेगा जिसमें जितने भी छोटे छोटे कट है सब में काम करेगा। ब्लाइटॉक्स कैसे काम करता है? ब्लाइटॉक्स बहुत खतरनाक पेस्टिसाइड है। अच्छा जैसे आप स्प्रे करते हैं ना बिल्कुल जो आपकी जख्म वाली जगह होती है उस पे बैठ जाता है वो उस पे परत बना जाता है ना तो फंगस एंटर होता है ना पानी एंटर होता है
इसलिए करते हैं हम, तुरान के बाद भी करते हैं और कटिंग के बाद भी करते हैं। पर लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ से प्रोनिंग स्टार्ट होगी जी, आज हमारे 10 दिन बाद नीचे प्रोनिंग खत्म होगी, फिर सोचेंगे कि प्रोनिंग खत्म होगी कब, बाद स्प्रे कर देंगे, हमारे कट लग गए आज, तो आज जख्म लगाएगा हम कब, एक महीने बाद, कहाँ से बिल्डअप होगा जी। जैसे मान लो अगर 3 दिन के अंदर कर दी, 3 दिन के बाद आदब गिचा होगा तो आदब गिचे मार दो, मार दो ताकि हो गया, पेस्टिंग भी साथ साथ में करो, स्प्रे भी साथ साथ में करो, क्यों नहीं होगा अच्छा आपका पेड़। बोलो, मेरे एक पेड़ है सर ना, छोटा पेड़ है, उसका वो बीच से वो बंदे ने काटा नहीं, ऊपर से वो चला गया ऊपर ही, अब अच्छा, वो ऊपर ही जा रहा है अब। अब उसको कैसे काटे भाई साहब, काट दो उसको, वो जा ही रहा है टॉप ही है ऊपर, अब काम चला। मुंह के सामने तो अभी बता देता मैं आपको, अब यही है सर रास्ते में, छोटे पेड़ों को बताना। देखो जी प्लीज क्वेश्चन बना के रखो, जितना हो सके ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतने ज्यादा डाउट क्लियर होगी जी, क्योंकि मेरे पास भी उतना ही बता पाऊंगा जितना आप। ये है अपने दादू, ये अपने दादाजी, देखो जी छोटे पेड़ की गलतियां सबसे बड़ी आपकी, आप इधर देखो जी छोटे पेड़ की गलतियां क्या करते हैं आप लोग, पहले क्या कर देते हैं इसमें ब्रांचेस बना देते हैं, पर हमारे को पता नहीं कि हमने बनाई क्यों है ये, हमारे पास क्या बोलते सर बंदे ऊपर चढ़ने के लिए, अब मैंने बढ़ा नहीं सच चढ़ूंगा जरा मैं इसमें बोलो बंदे चढ़ेंगे। ब्रांच तो एक साल में ही बन जाती है जी, एक सिंगल ईयर में, सिंगल ईयर में इतनी मोटी ब्रांच बन सकती है आपकी, ये बना दी हमने कितने साल की, 1 2 3 4 पांचवी साल की टहनी बन गई आपकी। अब इसमें गलतियां आपने बहुत ज्यादा गलतियां कर ली, पहले तो प्रोनिंग से पहले छोटे पेड़ में क्या सोचना है आपने, प्रोनिंग कर रहे हैं आप, आपको पता होना चाहिए कि पेड़ को आपने कितना बड़ा बनाना है, इसकी तरह बड़ा बनाना है कि छोटा बनाना है कि बहुत ड्वार्फ बनाना है कि सेमी विग्रस बनाना है, कितना बनाना है ये हमारे को पता ही नहीं है अभी, जब तक ये पता नहीं होगा ना हमारे को जी, तब तक इसको करके फायदा ही नहीं है कुछ, क्यों कर रहे हैं हम प्रोनिंग पता ही नहीं है हमारे को, पता ही नहीं, जब पता होगा ना कि हमने कितना बनाना है पेड़ तब जाके इसकी प्रोनिंग होगी। उस लाइक मान के चलो इसको आपने छोटा बनाना है ड्वार्फ, तो इसकी कटिंग कुछ और होगी, 10 फुट की हाइट रखनी हमने इसकी, 10 फुट के लिए अलग कटिंग होगी, थोड़ा बड़ा बनाना है 20 फुट वाला उसके लिए अलग कटिंग होगी, इतना बड़ा बनाना है उसके लिए अलग कटिंग होगी जी, सबके लिए अलग। बस ये दिमाग में होना चाहिए कि आपकी प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस है, उस लाइक आपकी प्रोनिंग होगी, और आपने कितना लंबा ले जाना है इसको उस पे होगा, और साथ में उसकी वेरायटी का पता होना चाहिए, कौन सी वेरायटी है मैंने इसमें कैसी प्रोनिंग करनी है, गालास की अलग होगी, डिलीशियस की अलग होगी, पॉलनाइजर की अलग होगी, वो तो सर वो तभी है सर, जब जो कटिंग करवाने वाला उसको अलग है ना, पता तभी पता है वो भी ऐसी करवाने वाला, ये मैं बात करूंगा क्या बोल रहे नहीं ऐसा हो रहा सर मैंने, जब जैसे अगर मैंने करवानी किसी बंदे से कटिंग घर में, भाई बंदे से करवानी कटिंग, अगर मैं खुद नॉलेज होगी फिर मैं उनको बोल सकूंगा कि जी इस तरह का करवाना है, अगर नॉलेज खुद ही नहीं होगी तब तो फिर पॉसिबल नहीं है ना, सब भगवान के लिए पता ही नहीं ना, अब हम तो बंदे को बोल लेते हैं जी लो दिहाड़ी लो आप काट दो सेब, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हालांकि बंदा खुद ही बगीचे में जाएगा जी काट के आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, खुद ही पता। देखो जी प्रोनिंग के छोटे पेड़ के 2-3 थंब रूल होते हैं, पहले पहला क्या बोल रहा मैंने कि आपको पता होना चाहिए कि पेड़ कितना बड़ा बनाना, कितना बड़ा बनाना, छोटा पेड़ बनाना है आपको क्या बोलते हैं जो नई टेक्नोलॉजी है, नई छोटे ड्वार्फ पेड़ बन रहे हैं उसकी जो कटिंग का पैटर्न है आप लोग किसी को पता है, बिल्कुल नहीं, नहीं है, नहीं है वीडियो में देखा सर, जिसको ड्वार्फ बनाना है थोड़ा सा सेमी बिग्रस बनाना है, जिसको बिग्रस बनाना है, सबके अलग अलग प्रोनिंग है, अलग अलग, इसमें देखो टॉल स्पेंडल पे बना सकते हैं इसको, टॉल स्पेंडल पे वो आपके प्लांटेशन के हिसाब से कितनी दूरी है, या तो वर्टिकल एक्सिस में बना सकते हैं कि आपकी प्लांट की कितनी दूरी है, इसको कितना बेंड करना है, अच्छा, या तो पेड़ बहुत विग्रस है इसको स्लेंडर स्पेंडल सिस्टम से बेंड करके हमने बीमे में कन्वर्ट करना है, मेन क्या लेना है हमने से फ्रूट, फ्रूट फ्रूट। अब इसकी कटिंग जी आपके हिसाब से कितना बड़ा बनाना है ये पेड़, ये उस लाइक होगी जिसकी कटिंग जो डिस्टेंस है पेड़ों का लगाया उस हिसाब से 20 फुट ना, अगला तो नहीं कोई प्लानिंग, इधर भाई प्लानिंग हो भी सकती है आपकी, ये जरूरी नहीं है आप बोलेंगे अगले साल मैं तो यहाँ पे डिलीशियस आपने देख लिया ना तब बोलेंगे मैं बीच में भर दूंगा, तब इसकी प्लानिंग फिर गलत हो जाएगी, वो तो है, आप सेटअप बनाना पड़ेगा अपने दिमाग में कि मेरा बगीचा इतना डिस्टेंस है ऐसी प्रोनिंग होनी है, 3 फीट ही रखो, 3 फीट है 3 फीट के लेवल प्रोनिंग होगी, इनके पास अभी 10 फीट है 10 फीट के लिए मैं बता देता हूँ क्या होता है जी, जब भी आप कटिंग करते हैं ना पहला पहला स्टेप ही मारते हैं आप गलत,
ये तो बहुत छोटी थी, मतलब कोई भी पेड़ पहला कट आप घुटने के पास से मारेंगे, जहां आपके जो पेड़ है ना मोटा चले गया इतना लंबा काफी चल गया, थंब रूल होता है घुटने से थोड़ा ऊपर, मतलब मान के चलो 2 फीट रखना है आपने, नीचे नीचे से ऊपर 2 फीट नापना है और वहां से कट मार देना है। कट मारते ही क्या होता है जी पेड़ में, स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं इसको, बिल्कुल कट मारते ही क्या होता है, जैसे कट मारते है ना आपकी 3 आंखें फट जाती है, यहाँ से 2 ऊपर भागती है, 2 छोटी-छोटी उसके साथ चलती रहती है, होता है ना सर। फिर यहाँ पे आप गलती कर लेते हैं, उसको जाने देते हैं, फिर अगले साल क्या होता है, जैसे आपकी ये है, ये हो गया, यहाँ से 4 ब्रांचेस आ गई, 3 आगे छोटी सी आ गई, इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें भी हेडबैक मार दिया, इसमें भी मार दिया, इसमें भी मार दिया और इसमें भी मार दिया, आपके हिसाब से होगी बढ़िया प्रोनिंग, बट होगी बहुत गलत फर्स्ट ईयर में। आपने बना दिए आप पहले साल में वुड जो जो कि बेंड नहीं होगा, बेंड नहीं होगा आराम से, जैसे आपने कट मार दिया ना जो मैं पेड़ बताया 2 फीट में, वैसे ही जो 2 ब्रांचेस नीचे से निकलेगी ना उसकी हाइट जैसे ही आपकी 1 फीट हो जाए वैसे उसको बेंड करना है, जैसे उसको बेंड कर दिया ना जो ऊपर की टहनी है ना वो फटाफट भागेगी, जो नीचे की टहनी है वो तिरछी जाएगी। और लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोनिंग में, ये कॉमन प्रोनिंग बन गई है बट अभी शायद यहाँ पे पता नहीं है, सब लोग जैसे यहाँ पे कट मारे 2 फीट पे उसके बाद 3 टहनियां निकाल रहे हैं, जैसे ही वो 2-3 इंच की निकल रही है ना उसको बैंड कर रहे उसी टाइम, ये सबसे बड़ी गलती है जी, इस बात का ध्यान रखना, जब तक साइड वाली टहनियां आपकी 1 फीट ना पहुंच जाए तब तक वो बैंड नहीं करनी है। अगर बैंड कर दी क्या होगा जी, उसमें आपकी ये टहनी है आपकी, आपकी 2 इंच की जी आपने कर ली है, फिर चले गए थोड़ी आगे फिर मुड़ जाती हो यहां से ऊपर जी, ऐसे ऐसे हो जाता है जी, जब भी टहना निकलेगा ना, मैं किस टहने की बात कर रहा हूँ, जो नीचे के 2 टहने एक्स्ट्रा निकलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ही वो 1 फीट के हो जाएगा ना उसको करना है पहले 40 डिग्री में सिर्फ बेंड, 40 डिग्री में ओनली, ताकि उसका फ्लो सीधा भागता रहे पार के लिए, यूं ना मुड़े, अगर हमने एकदम कर लिया नीचे तब यूं भागेगा और एंगल खराब हो गया हमारा, हो गया ना, आपने 40 डिग्री में बेंड करना है उसको ओनली 40 डिग्री में। फर्स्ट के 2 साल में पेड़ को ट्रेन करने की जरूरत होती है जी, उसे प्रोनिंग ट्रेन करना पड़ता है, प्रोनिंग क्या फटाफट किए हो गए ट्रेन, 40 डिग्री में जैसे आपने बेंड किया वो चलेगा 2 फीट का, ये चलेगा ऊपर 3 फीट का, वैसे आपने जुलाई में इसको कितना करना है 60% बेंड करना है, तो बस हो गया आपका काम, 60% जैसे ही बेंड होगा ना आपकी ये वाली ग्रोथ पहुंच गई 2 फीट, ये पहुंच गया आपकी 3 फीट, उसके बाद ये सीधा भागेगा पार को, ये यूं नहीं मुड़ेगा उसके बाद, क्योंकि 60 डिग्री में नहीं भागता ये, 90 डिग्री में भागेगा आपका ऊपर के लिए, फिर बनेगा आपका प्लांट। उसमें ब्रांचेस तो निकलते सर जैसे यूं ना, डिग्री पे रखी हो ना, वही बता रहा, अगर हम पहले ही इसको बेंड करेंगे ना जो मैं बता रहा था 1-2 इंच में हम बेंड करेंगे ना, ये तो ऊपर के लिए निकलेगे निकलेगे, साथ में ये वाले भी सारे निकलेगे ऊपर के लिए, ऊपर निकलेगे, ये क्या करते हैं हम कि एडवांस में कर देते हैं पहले ही, एडवांस में करते हैं बेंडिंग ना, उस वजह से निकलते हैं 60 डिग्री पे, पहले 40 डिग्री फिर 60 डिग्री फिर उसको करो 90 डिग्री में, तब देखो आपका एक सकर भी नहीं आएगा, आपके आगे छोटे छोटे बीमे इस टाइप के, इस टाइप के, इस रूल से बचना है जी। अब क्या है जी इस पेड़ में, इस पेड़ की देखो जी, इस पेड़ के थिकनेस के हिसाब से इस पेड़ की हाइट अभी मेरे को अगर मैं ऊपर देखता तो 10 फीट होनी चाहिए थी, अभी कितनी है इसकी 5-6 फीट है इसके थिकनेस के हिसाब से। अब इसका सेब कहाँ गया जी, इसने खा लिया, इसने खा लिया, इसने खा लिया, इन 4 टहनों ने खा लिया ना, तो अब क्या होगा, सारा सेब जब यहाँ से आएगा ऊपर नहीं मिलेगा जी, पहले मिलेगा किसको, इसको, फिर मिलेगा इसको, फिर मिलेगा इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसको, यहाँ पहुंचते पहुंचते सेब को क्या हो गया, खत्म। देखो जी हो गया ना खत्म सेब, जो पिछले साल का आपने कट मारा है देखो कितना है, 1 बीमा निकला है इसमें, पेड़ खत्म है आपका जी, कहानी खत्म कर दिया आपने कुछ ही साल में, अभी तो इससे 1 दाना भी नहीं लिया, पेड़ हो गया खत्म। ये गलती किसकी है, हमारी है, पेड़ की नहीं है जी, पेड़ का काम है फ्रूट देना, ट्रेन करना हमारा काम है, ट्रेन कर दिया हमने, पहले थंब रूल हो गया जब आप 2 फीट से काटेंगे इसमें जब टहनियां निकलेगी पहले 40 डिग्री में, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री में, ये आपको करनी ही पड़ेगी, सोचेगी इतना इतना बड़ा बगीचा मेरा तो कैसे करूंगा, आपको लेबर लगा के भी करने पड़ेगा पहले साल में, करना पड़ेगा क्योंकि इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, प्रूनिंग तो हम करते ही हर साल। अब क्या होता है जी, जब हम ब्रांचे रखते हैं ना, एक यहाँ से निकल गई, एक यहाँ से निकल गई, पहली गलती हो गई आपकी ये, जैसे कि आपकी ब्रांचेज जब घनी निकल जाती है ना आप एक ही साइड रख लेते हैं सब ब्रांचेज को। दूसरा रूल ये है कि जब आपकी एक ब्रांच निकल जाए उसके बाद 2 इंच ऊपरी साइड से दूसरी ब्रांच निकलनी चाहिए, फिर उसके साथ इन रखनी है, फिर उसके ऊपरी साइड
दो इंच और नापना है 2 से 3 इंच, फिर वहां से निकलने के बाद अगर आपके साथ में निकल गए ना तो पेड़ की जो थिकनेस होती है खत्म हो जाती है मोटाई ऊपर के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही जगह से जब टहनियां निकल जाती है ना सारा न्यूट्रिशन खींच लेती है वो। और जैसे ये चीजें निकली इनका क्या करें? चलो सकते हैं, इनको तो काट सकते हैं। अच्छा। इसका कोई नहीं है। काटी पुर मल दबा कई वास्ते जड़ों में ना वो भी होते घंटे से बड़ी भी घंटे। चलो इसको बता दो। अब क्या है आपके पास रास्ता? इनको अभी फरवरी में क्या करना है? 40 डिग्री करना है। 40 डिग्री नीचे नहीं करना, 90 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री नॉर्मल इतने 40 डिग्री इसको थोड़ा सा ऊपर 40 डिग्री ये भी कर देना 40 डिग्री। फिर क्या करना है ऊपर की ग्रोथ के लिए? जी ऊपर की ग्रोथ तो खत्म है, कैसे ले आए? पहली गलतियां होगी जो हमने नीचे बताया था कि सैप लीक हो रहा है, आपने फिट कट मारे हुए जी। फिट कट मारे यहाँ पे अगर फिट कैंची मारी जाए अंदर, अब देखो कितना अंदर तक गया हुआ। अभी अभी इतने छोटे में सड़ गया, फ्रूटिंग नहीं लिया तो क्या करेगा मैन लीडर? अब तो इस पे स्ट्रेस पड़ेगा और ज्यादा। अब क्या करना? जैसे आपने सारे बैंड कर दिए ना, अब ये लाना नीचे। जो मैंने बताया था ना कि हर पेड़ के पास एक क्या होता है? बैकअप। बैकअप होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको बैकअप गिनाता हूँ जी। देखो इस टहने का यहाँ पे बैकअप है, इस टहने का यहाँ पे बैकअप है। ये कभी बीमे में नहीं बदलता, ये रखता है बैकअप। जितने मर्जी बीमे आ जाए इतने एरिया में ना, पर ये बीमा नहीं देता, ये रखता है अपने पास बैकअप। अब यहाँ पे भी बैकअप होगा देखो, यहाँ पे फिर यहाँ से नीचे और मोटा, यहाँ पे बैकअप होगा देखो। ये कभी नहीं फटती है, जितना मर्जी फाड़ो, ये फटेगी तब जब आपको कट मारेगी इसमें। फिर इससे नीचे आओ, जगह होगी देखो बैकअप के लिए। देखो यहाँ अभी आ गया 5 साल से नीचे, इसमें नहीं होगा, मान गए आप इस चीज को। अब इसमें ग्रोथ के लिए क्या करेगी आप? ये दोबारा से नीचे आना पड़ेगा इन आंखों पे तब जाके ग्रोथ जाएगी। जहां पे टॉप में कट लग गया, अब रूल तो पता नहीं कितने हो गए, चौथा पांचवा छठा, पर मैं बोलता हूँ सेकंड रूल, थर्ड रूल, फर्स्ट रूल। जहां पे आपका कट लग गया ना जी, वहां से नीचे 1.5 फीट में किसी भी दूसरे टहने में हेडबैक नहीं होना चाहिए। हेडबैक हो गया तो कंपटीशन दे देगा इसको। इसके नीचे 1.5 फीट नापो आप, कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आ गया, फिर आपको टहनियां निकालनी पड़ेगी जी। फिट कहीं नहीं मारनी है जी कैंची आपने। अगर इसमें ग्रोथ चाहिए आपको, नेक्स्ट ईयर देखना इसमें ग्रोथ होगी। इसको मैंने क्यों काटा इस तरह? क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं थी ऊपर। ये भी काटना पड़ेगा आपको इधर से, या स्टब कट मार दो इसमें, लो और नीचे वाले बैंड कर दो, अब जाके इसमें ग्रोथ आएगी दोबारा से। अभी दर्द लगती है ऐसे पेड़ों के लिए, मेरा अपना होता ना बहुत दर्द होती, ये आपकी गलत है प्रोनिंग, तब जाके हो रहा है ऐसा काम। ये कर रहा हमें इसको ग्रोथ के लिए। जैसे आप इसको बैंड करें, अगर बैंड नहीं किया ना तब और प्रॉब्लम है, तब बोलना वो बंदा आया था मेरे कर दिया। देखो जी इसमें आप बैंड नहीं किया ना तब इसकी कहानी और खत्म है। कंपटीशन में जाएंगे ना ये, कंपटीशन में सारे के सारे भाग जाएंगे। जैसे मैंने बोला ना फरवरी में इसको 40 डिग्री, जैसे ए है ना मतलब ये तो लंबा, जून तक पहुंचेंगे इसको 60 डिग्री में पहुंचाना। जैसे कि जुलाई अगस्त सितंबर तक आपने इसको पूरा 90 डिग्री में पहुंचाना है। 90 डिग्री में जैसे पहुंच गया ना, यहाँ से भी आपका टहना निकल गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भागेगा ऊपर टहना फुल। ध्यान रखना जो भी यहाँ से टहना निकलेगा ना उसके कंपटीशन में जितने टहने होंगे सारे के सारे काट देने, कुछ नहीं रखना। फिर देखो इसकी ग्रोथ कितनी जाती है। और इसमें भी रखना सिंगल टहना, इसमें जो 2 टहने आएंगे ना वो भागेंगे सीधे ऊपर के लिए, इसमें आएंगे टहने ऐसे। अगर आपने ऐसे रख लिए ना तब और प्रॉब्लम है, वो भी करने पड़ेगा ऐसे बैंड करने पड़ेंगे, तब जाके इसको कंपटीशन देंगे, तब जाके पेड़ द्वारा से रिन्यूएबल पे जाएगा। एक गलती हमने पहले की है, बाकी की प्रोनिंग आप कर सकते हैं जितने ऊपर के है ना। फिट कैंची कहीं नहीं मारनी जो आपने की है। okay. और इसमें हेडबैक मार दो थोड़ा, इसमें हमारे को ग्रोथ की जरूरत नहीं है। अब देखो इतना एरिया कवर हो जाएगा आपका, बस हो गया। अब इससे बाहर आपको जगह ही नहीं है, ये जाएगा यहाँ से ऊपर थोड़ा सा। हमारा मेन मकसद क्या है कि इसको क्लोज करना है। अगर 10 फीट का पेड़ बनाना है ना वर्टिकल एक्सिस में इसको बैंड करके थोड़ा लंबा बनाओ पेड़ को। अगर टॉप स्पैंडल पे बनाना है तब इसकी अलग प्रोनिंग है। फिट नहीं मारनी जी कैंची। अब देखो इसकी ग्रोथ भी खत्म है, अब क्या करेगा इसके लिए? नीचे लाना पड़ेगा। हाँ स्लीपिंग आइस पे लाना पड़ेगा। हाँ स्लीपिंग आइस, ये हो गई आपकी, इधर हो गई, जहां पे भी ला सकते ना आप वहां पे ले आओ। फिलहाल यहाँ पे ले आओ, ये स्टॉप हो गए आपके, बस यहाँ से ग्रोथ मारेगा। पर बैंड जरूर करना है, बैंड जरूर करना है। अब देखो जी इतना छोटा ब्रांच है, कितने 1-2-3 साल का हो गया ये वाली ब्रांच। अब इसमें सैप लीक देखो यहाँ, अभी इसे बना दिया,
ये भी चलाना पड़ेगा, दोस्त कट लगाए करना पड़ेगा। हां हां शिकवा लेना। अब देखो पेड़ की तो शो ही बिगाड़ दिया, और ये जो नहीं बने के तगड़े पेड़ मोटा भी बनेगा, ग्रोथ भी आएगी। ये ला जी उड़ रहे है। अब देखो इसकी प्रोनिंग बड़ी गंदी होगी जी, इसकी प्रोनिंग बहुत गंदी आएगा आपके हिसाब से, बहुत गंदी होगी इसकी प्रोनिंग। नहीं नहीं बड़ी आ गई, नहीं आपके हिसाब से गंदी होगी, नहीं होगी प्रोनिंग है। नहीं सच्चाई है, तगड़ी होगा कोई चक्कर नहीं, एक वाला साइड वाले है ना, ये बैक करना ग्रोथ मारेंगे ना ऊपर। हां जैसे मैंने पहले बोला था ना, बैंड करना है ये, जाएगा ऊपर हो जाएगा बैंड, इसको बैक कर दो बस, ये जाएगा ऊपर। नहीं सो रहने दो, ग्रोथ इसमें लेनी है आपने, पर इसमें पूरा का पूरा बीम बनाना है पीछे तक। अब ये हो गया आपकी वर्टिकल एक्सिस 10 फीट के लिए, 5 फीट के लिए। अगर आपने टॉल स्पैंडल करना है, अगर आप मान के चलो 3x5 में कर रहे फार्मिंग, तो टॉल स्पैंडल पे अलग प्रोनिंग होगी इसकी, जैसे कि घनी फार्मिंग होती है ना। बट आप लोगों के लिए घनी फार्मिंग करना अच्छा है, क्योंकि आपके पास सनावर ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस प्लांट में ज्यादा होगी, खाना ज्यादा बनेगा, और नीचे जो सूरज पड़ेगा ना वो पड़ेगा पत्तों पे, जमीन पे पड़ेगा, मॉइस्चर लेवल ज्यादा मेंटेन रहेगा और पेड़ ज्यादा सर्वाइव रहेगा आपका। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जो नीचे वाली मैं नीचे से अगर पाए सर यहाँ से निकली हो सारी क्या होगा जी, क्या होगा इसमें फ्रूट लग गया ना नीचे, तो इसमें लग गया, ये आ गया नीचे, अब नीचे से कीड़ा चढ़ गया, यहाँ यहाँ चढ़ गया, यहाँ लगाया आपने चूना, यहाँ से तो नहीं आएगा यहाँ से, तब भी आपने नीचे नहीं रखना, 2 फीट से ऊपर ही रखना है। और 2 फीट से जितने भी हमारे ऊपर है ना उसको हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि हमारा इतना मोटा हो जितना मुझे फ्रूट हो बैंड ना हो। ये हमारा कुछ ही साल अच्छा, अगर नीचे से ग्रोथ हुई हो तो उसमें किस तरीके का कट? हाँ उसमें मारना जी आपने फिट, जितने भी नीचे के टहने हो गए 2 फीट से नीचे उसमें मारो जी फिट, उसके बाद लगाओ पेस्टिंग। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें क्यों नहीं होती खराब, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे के लिए, ये सूरज की साइड नहीं है। अच्छा ये होता है सीधा, ये फिलअप हो जाता है जल्दी, कई बार सर घंटे होती बनी नीचे नीचे इसीलिए होती है, जैसे कि आप काट लेंगे ना फिर और निकलेगी, फिर और बाहर से काट लेगी, फिर और 2-4 निकलेगी, फिर और काटेगी आप, एक कट आप फिट मारो उसके बाद पेस्टिंग लगाओ बस। अच्छा जैसे बाय द वे 1 ईयर का पौधा होगा ना सर प्लांट, 1 ईयर की अलग कटिंग है? नहीं मतलब बाय द वे अभी नई प्लांटेशन हो रही है, मतलब सिंगल लेयर है, वो भी दिखाएंगे 1 ईयर का 2 ईयर क्या बोलते हैं उसमें, किस तरह से ब्रांचेस लगानी है? देखो जी मैं आपको सच बताता हूँ, आने वाले 20 साल में पूरे का पूरा हिमाचल रूट स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा गारंटीड है, क्योंकि अभी जो हम सीडलिंग पे कर रहे हैं हम 100 साल पुराना फार्मिंग कर रहे हैं। ऐसा ना हम तुम्हारे को सीडलिंग पे जाना पड़ेगा, हमारे पास पानी की थोड़ी दिक्कत है, ऐसे भी रूट स्टॉक इसको पानी की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये हमारा कॉन्सेप्ट बना दिया लोगों ने दिमाग में, रूट स्टॉक लीजिए पानी, पानी की वजह से जरूरत नहीं है, पहले साल उसको मॉइस्चर चाहिए, जरूरी है जी मॉइस्चर, आप जैसे मर्जी मेंटेन करो, मल्चिंग से करो, थोड़ा थोड़ा शाम को पानी डाल दो, किसी भी वे से करो, बस फर्स्ट ईयर उसको मॉइस्चर दे दो आप। ये 793 111 106 इतने बढ़िया रूट स्टॉक है कि आप बोलेंगे क्या फ्रूटिंग लग रही है, आप भूल जाएंगे सीडलिंग कलर है उसमें हर चीज ठीक वो तो है, कलर होगा आपकी वैरायटी पे, ये है आपका फ्रूट जितना ऐसे भी कर सकते हैं आप, लटका के भी कर सकते हैं, आपके पास बैंडिंग का फरवरी से स्टार्ट करना है आपने, फरवरी क्या मार्च से, जैसे सैब लीक सैब ऊपर चढ़ेगा ना पेड़ में मार्च में, वैसे आपने 40 डिग्री कर देना है, 40 डिग्री में कर, 60 में करना आपने, जून में जुलाई जून में करना 60 डिग्री में, फिर आएगा जुलाई अगस्त अगर से सितंबर, अलग अलग होता है सबके हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से, फिर सितंबर में आपने इतना नीचे 90 में लेना बस हो गया आपका काम, ये सकर आपके इतने इतने आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, अगर आपने पहले ही डाउन कर दिया तब आपकी नीच आएगी कम से कम 6-6 फीट, फिर आप उसको काटते रहेंगे, फिर काटते रहेंगे, फिर जाके और गालियां देंगे, उसने बोला था जैसा, देखो गलती हमारी कुछ अपनी होती है, बट आप चिंता मत करो, आप व्हाट्सएप में मेरे से जुड़ो, फोटो भेजो प्लांट्स की कि मेरी ये कंडीशन है मैं क्या करूं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको वीडियो के माध्यम से भी, और उसमें टाइप कर अपना नंबर दो सर एक बार, आप मेरा नंबर ले, इनको लगेगा ना बंदों को पता जो लाइव में जुड़े हैं, आपने अगर आपके बगीचे में कोई भी प्रॉब्लम है ना मेरे को व्हाट्सएप करो अपनी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, और अपने हिसाब से सबके लिए अलग अलग स्प्रे शेड्यूल है, सब मैंने पहले ही बोल दिया, मेरा है 7876570611, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग है, आप कभी भी फोन कर लो, आप पूछो कि ये प्रॉब्लम है सर क्या करूं मैं इसके लिए,
सबके लिए मैं अलग अलग शेड्यूल बताऊंगा, जिसका तो अच्छा बीमा है उसमें तो फ्रूटिंग ऐसे आ सकते हैं ना कि पूछो मत। चलो जी अब इस बगीचे में वीकनेसेस बताता हूँ मैं और आपको क्या क्या। अभी आपने एक वर्टिकल एक्सिस अब टॉल स्पिंडल बताओ है, टॉल स्पिंडल बता दिया मैंने। टॉल स्पिंडल क्या करना है, वो छोटे बगीचे छोटे पेड़ में हो जहाँ पे कट्ठी कट्ठी लगाए ना वहाँ पे होगा। नहीं कट्ठा दिखाएंगे अभी है जो कट्ठा कट्ठा बगीचा ना वहाँ पे बताएंगे। उसमें क्या होगा आपकी ये ब्रांचेस नहीं रहेगी, सिंगल लीडर वाला है कहीं पौधे। बिल्कुल बिल्कुल छोटा बगीचा ग्रोथ वाला होगा उसमें बताऊंगा मैं उसको ना। ठीक है। और जी आपका इसमें क्या है, हमने इसमें टारगेट रखा है आपका अभी निकल रही है आपकी 300 पेटी, इसमें कम से कम 2500 पेटी निकलनी चाहिए आपके 3 साल में कन्फर्म निकलनी चाहिए। इसमें मेहनत क्या करनी है आपको, इसी साल से करनी है। पहले क्या करना है आपने, जितने भी आपके पौधे हैं सब में चारों तरफ से ऊपर से बांध के चलो इसके बीच से चारों तरफ से एक एक कलम फसा देनी है अलग अलग वैरायटी की पोलनाइजर की, जिसमें आपका मंचूरियम हो गया, जिसमें आपका ग्रानी स्मिथ हो गया, जिसमें एक फ्यूजी हो गया, एक हो गया आपका गोल्डन या रेड गोल्डन, कोई भी चार तरह के अलग अलग आपको पोलनाइजर लगाने हैं चारों तरफ। उसमें आपको टेक्निक बताऊंगा एक ही साल में आपने दो बारी कलम कैसे करनी है, मतलब चार लगाएगा तो चार से छह कैसे करनी है। जितने हमारा पोलनाइजर ज्यादा हो गए उतनी हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब इस बगीचे में क्या है, सिर्फ क्या है बड हेल्दी नहीं है, उसको हेल्दी बनाना है। जैसे कलम करनी है कहाँ कहाँ करनी है बताओ। देखो जी जो आपका पेड़ है ना, पेड़ के बीच वाला हिस्सा छांट लो जी, उसके बाहरली साइड को करना है जितना बाहर को कर सकते हैं आप। कलम कलम उस टहनी में करनी जिसमें ग्रोथ होगी। पहले करनी है आपने क्या बोलते कलम आपकी जुलाई में करनी है, उसमें उसके ऑपोजिट साइड चार साइड है ना उसकी 8 साइड बनानी है। फिर हमने जुलाई में जितनी 4 साइड और है उसमें करनी चिप बडिंग जुलाई में। ये सारा हमने करना है तब जाके हम इस अचीवमेंट को 2 साल में पूरा कर सकते हैं जी। ये मेहनत आपके हाथ में, फ्रूटिंग आपके हाथ में, पेड़ को तो देना ही देना है फ्रूट, पेड़ का काम ही फ्रूट देना है, हमने सिर्फ लेना है कैसे लेना है उससे, बस ये हमने सीखना है। अरे नीति जी आप बैठ गए, पर क्या बात है, चलो थोड़ा नीचे को चलो। ठीक है।